सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों में सूरत बदली है और तेजी से विकास हो इसके लिए मंथन भी चल रहा है। तेजी से विकास हो को लेकर महापौर, उपमहापौर और पार्षदों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत के एक सांसद के स्टेज पर के बयान को लेकर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने क्या कहा वह मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट है। भाजपा किसानों की चिंता करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अनेक बार कहा है कि मेरे लिए किसान भगवान है। उन्होंने कहा कि 6 सालों में पीएम मोदी ने जो किसानों के लिए काम किए हैं वह ऐतिहासिक है। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए हितैषी हैं। ये कानून किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बनाने वाले हैं। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार और अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। सुनिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज हमारे तावड़े जी प्रभारी हैं जो हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी और तमाम हमारे नेता आज हरियाणा में जो नगर निगमों में चुनकर हमारे महापौर, वरिष्ठ महापौर और उपमहापौर आए हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। और ये बैठक शहरी क्षेत्रों में किस तरह से विकास को और गति के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों में हरियाणा के जितने भी शहरी निकाय हैं, अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो वहाँ पर इतने तेजी के साथ विकास के काम हुए हैं, शहरों की सूरत बदली है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए इस बैठक में चर्चा लगातार चल रही है। अपने महापौर के, वरिष्ठ महापौर के, उपमहापौर के सुझाव वहाँ पर लिए जा रहे हैं, के हित में हैं। और पार्टी भी पूरी तरह से किसानों की चिंता करने वाली है। और आदरणीय मोदी जी ने एक बार नहीं, अनेक अवसरों पे कहा है कि इस देश का अन्नदाता किसान मेरे लिए भगवान के समान है। और पिछले 6 साल में मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के हित में फैसले किए हैं वो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक हैं। किसानों की आमदनी को दोगुने करने वाले हैं, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं और किसान को अपनी मर्जी का मालिक बनाने वाले हैं। सर, छोटी सरकार जो है शहरों की, उसको लेकर एक विषय सामने आया है कि जिस तरीके से डायरेक्ट चुनाव हो रहा है हमारे मेयर का भी और चेयरमैन का भी, उसमें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पार्षदों को जो शक्तियाँ दी गई है उसमें एक विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है कि जनता ने चुना है और वापस बुलाने की शक्ति पार्षदों को दे दी है। आपका अनुभव भी रहा है और गोष्ठी भी हुई है, आपका क्या विचार है? देखिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और इस तरह का कोई विचार है तो ये सामूहिक तौर पर पार्टी फैसला करेगी और आम सहमति से होगा, लेकिन अभी इस बारे में मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। देखिए, ऐसा नहीं है, अधिकारी और चुने नुमाइंदे एक गाड़ी के दो पहिए हैं। सरकारें फैसला करती हैं, अधिकारी उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हरियाणा में खास तौर से दोनों सही दिशा में चल रहे हैं। जो सरकार योजनाएं बनाती है अधिकारी उसको ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य है। दोनों मिलकर हरियाणा को और गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं विकास को लेकर के, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर कुछ भी होता हो, लेकिन एटलीस्ट सरकार और अधिकारी दोनों अच्छी सहमति के साथ अच्छे वातावरण में और मिलकर सरकार के कामों को कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। अगर
ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना